साथियों, आज 15 अगस्त है और आज के दिन आजादी का जश्न हम मनाते हैं। इस आंदोलन में जो अंग्रेजों के दमन के शिकार हुए, जो शहीद हुए, उन सभी को हम नमन करते हैं। साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास है जिसको हम आज याद करते हैं। इस आंदोलन में साथियों, जो देश की जनता है, किसान है, मजदूर है, जिन्होंने अंग्रेजों से सीधा मोर्चा लिया और मोर्चा लेने के बाद से अपने प्राणों की आहुति दी, बड़ी संख्या में अंग्रेजों की गोलियों के शिकार हुए, आम जनता जो आंदोलन में उतरी, उन सभी आम जनता को, सभी लोगों को हम क्रांतिकारी सलूट करते हैं, उनको नमन करते हैं। इस आंदोलनों के दौरान जो जेलों में गए, जिन्होंने लाठियां खाई, जिन्होंने बड़ी लंबे समय तक जेलों की सजा काटी, इन सभी लोगों को हम आजादी के जो सिपाही हैं, इनको क्रांतिकारी सलूट करते हैं, इनको नमन करते हैं। साथियों, आज बहुत ही खुशी का दिन है, खुशी का दिन है। इसी के साथ में हमें उन सारे जो खुशी हमें ये मिली है, इस खुशी के लिए जिन्होंने जान दी है, जिन्होंने छाती पे गोलियां खाई हैं, जिन्होंने जितनी ताकतें हमारे देश में एकजुट होकर के इस राष्ट्रीय आंदोलन को सफल बनाया, उन सभी को याद करने का दिन है, उन सभी को सैल्यूट करने का दिन है, उन सभी को नमन करने का दिन है। आज हम सभी को सैल्यूट करते हैं, नमन करते हैं, जिन्होंने इस आज़ादी के आंदोलन में अपनी भूमिका अदा की। तो साथियों, एक हिस्सा तो ये है। दूसरा हिस्सा यह साथियों कि आज़ादी के बाद इन आज़ादी के दीवानों ने, इन आज़ादी पे के लिए लड़ने वालों ने हमारे भारत देश के लिए सपना बनाया था। जब शहीद भगत सिंह और इस पूरे क्रांतिकारी लोगों ने को फांसी पे चढ़ाया गया, तब इनका सपना था कि कैसा भारत होगा। भगत सिंह के बहुत सारे आर्टिकल हैं, मैं आज बताने में असमर्थ हूँ आपको, क्योंकि बहुत समय लगेगा, और मैं कोशिश करूँगा कि भगत सिंह और इनके साथी जो थे, उनका क्या समझ था, क्या पूरे विचार थे, इसके ऊपर एक सीरीज बनाऊंगा और इसकी जानकारी आपको दूंगा। ये मैं आज घोषणा कर रहा हूं इस क्रांतिकारी दिवस के अवसर पर। जितने भी इस आजादी के आंदोलन में थे, सबका एक सपना था कि हमारा भारत कैसा होगा। दुनिया में जो है, अलग अलग तरीके से राज बन रहे थे, राजाशाही व्यवस्था खत्म हो रही थी और नए नए गणराज्य बन रहे थे। तो हमको समझना कि इस समय दो तरीके के गणराज्य बन रहे थे। रूस की क्रांति होने के बाद से पहला समाजवादी गणराज्य बना, उसको देख करके दुनिया के बड़ी संख्या में देश थे जो समाजवादी गणराज्य की स्थापना कर रहे थे, और उसी क्रम में, उसी सोच के साथ हमारे देश में भी समाजवादी गणराज्य की स्थापना हुई। तो दो खेमों में दुनिया थी, एक समाजवादी गणराज्य और पूंजीवादी गणराज्य। हमारे देश में समाजवादी गणराज्य की स्थापना हुई, मगर हमारे देश की राजसत्ता पूंजीवादी व्यवस्था या पूंजीवादी हुक्मरान, पूंजीवादी राज व्यवस्था, पूंजीवादी राजनीतिक विचारधारा के हाथ में लगी और हमारा संविधान बना। और संविधान बनने के बाद से इस पूरी यात्रा को हमने करना शुरू किया कि जो हमने नया सिस्टम अडॉप्ट किया था, इस समय हमारे देश में एक युग का अंत हुआ था। कौन सा युग का? राजाशाही व्यवस्था जो चल रही थी, राजाशाही व्यवस्था का युग का अंत हुआ था और लोकतांत्रिक व्यवस्था, नई व्यवस्था का शुरुआत हुआ था। जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने संविधान लिखा और बहुत बड़ा योगदान था उनको संविधान लिखने के साथ में, इस पूरी व्यवस्था को जुटाने का, और जो पार्लियामेंट्री लोकतांत्रिक शासन पद्धति है उसका रूप कैसा होगा, किस दिशा में चलेगी, क्या उसके स्तंभ हैं। 28 अक्टूबर 1951 को दयानंद एडलो कॉलेज जालंधर में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने पूरा एक भाषण दिया था। मैं आज इस आजादी के अवसर पर उस भाषण के जो मुख्य अंश हैं उनको आपके सामने पेश करना चाहता हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सारे जिन्होंने संविधान बनाया, उनका इसके बारे में क्या समझ था, बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है। और इसके अंदर उन्होंने समझाने की कोशिश की कि पार्लियामेंट्री जो ये सिस्टम है, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, इस राज व्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, ये राज व्यवस्था कैसी चलना चाहिए, इस राज व्यवस्था के स्तंभ क्या हैं, बहुत ही विस्तारित जानकारी दी। इसके मुख्य अंश में आपके सामने पेश कर रहा हूं साथियों। उन्होंने बताया साथियों कि 1935 में भारत की जो सरकार थी, उसने एक कानून पारित किया
जिस कानून को पारित करने के बाद से हमारे देश के अंदर विधानसभाएं अस्तित्व में आई थी। इसके पहले राजाशाही व्यवस्था थी और ये कानून जो है अंग्रेजों ने पारित करवाया था। आज के समय में भी कुछ लोग हैं जो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम को पसंद नहीं कर रहे हैं, वो रूस की जैसी समाजवादी व्यवस्था चाहते हैं, सोशलिस्ट हैं, वो इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हम पार्लियामेंट्री प्रजातंत्र को अपने देश में लागू कर रहे हैं और मैं इसका पार्लियामेंट्री जो प्रजातंत्रवाद है मैं इसका बहुत ही बड़ा समर्थक हूँ। पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है उसका अर्थ ये नहीं है कि ये लातों घूसों की सरकार है या हम वहाँ जाके एक दूसरे को लाते घूसे मार के लड़ें। कुछ देशों में ऐसा हो रहा था उस समय की स्थिति में। ये जो है वाद विवाद की सरकार है जिसमें हमको चर्चा करना है, जिसमें हमको मुद्दों पे डिस्कस करना है। वाद विवाद की सरकार है जो पार्लियामेंट्री शासन पद्धति है उसके तीन जो है प्रमुख अंग हैं। पहला ये है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में कोई पैतृक राज व्यवस्था का बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है। साथ में समय समय पर चुनाव होंगे, जनता का समर्थन लेना होगा। इससे जो है कभी राजा का बेटा राजा या पैतृक जो है राज व्यवस्था नहीं होगी। पहला इसका ये मुख्य आधार ये है। दूसरा उन्होंने कहा था कि जो लोग हैं, जनता है, उनसे जुड़े कोई भी सार्वजनिक कानून है, नियम है, उनको बनाने वाले वो लोग होंगे जो जिनको वो खुद चुनकर भेजेंगे। वो जिसको चाहेंगे कि ये जाकर के हमारे बारे में कानून बनाए, हमारे बारे में बात करे, वो व्यक्ति जो है उनके कानून बनाएगा। ये व्यवस्था इस पार्लियामेंट्री शासन पद्धति में होगी और इसमें कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं अकेला इस शासन व्यवस्था को चला रहा हूं या मैं ही सर्वज्ञ हूं, सब कुछ मैं ही हूं, या वो कहे कि मैं अकेले ही कानून बना दूंगा, मैं अकेले ही सरकार चलाऊंगा। ऐसा पार्लियामेंट्री शासन पद्धति में नहीं है, नहीं होना चाहिए। इसी में कहा था उन्होंने कि जो प्रजातंत्रवाद होता है उसमें उसका जो मुख्य पदाधिकारी होता है वो व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति के नाम से राज्य चलता है। जो सरकार है सरकार कानून से चलती है, सरकार किसी व्यक्ति से नहीं चलती है, सरकार को कोई एक व्यक्ति नहीं चलाता है। कानून विधानसभाएं बनाती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उसको लागू करता है, उन्हीं कानूनों से वो शासन व्यवस्था को चलाता है। इसलिए राज्य का जो मुख्य पदाधिकारी होता है वो नाम मात्र का शासक होता है, वो एक चिन्ह मात्र होता है, वह एक मूर्ति मात्र है। उसकी हम तारीफ कर सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं, मगर वो मनमाने ढंग से शासन व्यवस्था को नहीं चला सकता। ये जो है लोकतांत्रिक, जो पार्लियामेंट्री लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है उसका ये वेश है जिसको हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तीसरा उन्होंने कहा था कि जो जो ये बनते हैं, चुने जाते हैं लोग, ये एक समनिश्चित समय के लिए चुने जाते हैं, इसलिए ये ऐसा नहीं कह सकते कि हमेशा हम ही रहेंगे या हमेशा हमारी ही सरकार रहेगी। एक समय के बाद जनता फिर सरकार चुनेगी और सरकार चुनने के बाद से फिर सरकार बनेगी। इसलिए कोई आजीवन या आगे तक कभी भी घोषणा नहीं कर सकता कि हमेशा मैं ही सरकार में रहूंगा और मेरी ही सरकार रहेगी। ये पार्लियामेंट्री जो शासन पद्धति है उसमें जनता प्रमुख है, जनता जिसको चुनेगी, जिसकी सरकार को बनाएगी उसकी सरकार चलेगी। इसलिए एक समय के बाद जनता से विश्वास हासिल करना होगा। ये तीन जो है प्रमुख पिलर हैं इस पार्लियामेंट्री जो शासन पद्धति है उसके। आगे उन्होंने कहा साथियों कि इतना ही पर्याप्त नहीं है, जो उन्होंने तीन स्तंभ बताए उतना भी पर्याप्त नहीं, उसके आगे इसके मूलभूत जो है दो खंभे और हैं जिसके ऊपर ये पूरा सिस्टम टिका हुआ है। दो खंभे और हैं, उसमें से पहला है विरोधी पक्ष जिसको हम कहते विपक्ष, और दूसरा है जो चुनाव हैं निष्पक्ष और ईमानदारी से किए जाने वाले चुनाव। शासन व्यवस्था में सरकार में विरोधी पक्ष का महत्व बहुत ही जरूरी है, उसका मत बहुत ही जरूरी है, और दूसरा
जो चुनाव होंगे वो ईमानदारी से और निष्पक्ष तरीके से होने बहुत ही जरूरी हैं। यदि ये दो खंबे पिलर नहीं होंगे तो ये पार्लियामेंट्री जो लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था है वो कमजोर हो जाएगी, वो सही तरीके से नहीं चलेगी। उन्होंने समझाया कि जिस तरीके से हमारी जो भारतीय दर्शन है, भारतीय दर्शन के अंदर जितने भी वाद विवाद होते थे, उन वाद विवादों के अंदर जो चर्चा होती थी उसमें पहले जो पद्धति थी उसमें पहले विरोधी का मत था, तो कहा जाता था पूर्व पक्ष, फिर जो है उसका उत्तर पक्ष और फिर अपना मत। जिस तरीके से ये जो व्यवस्था है ये हमारी भारतीय दर्शन की पुरातन व्यवस्था है। भारतीय दर्शन के अंदर ही भी विरोधी का जो मत है, पक्ष है, उसको बहुत ही सही तरीके से उठाया गया, उसको अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। जितना तरीके का शास्त्रार्थ होता था जो भी हमारे भारतीय दर्शन के अंदर होता था, इसलिए ये वाद विवाद की व्यवस्था और विरोधी के मत को सुनना ये सिद्धांत हमारे भारतीय दर्शन की पुरातन परंपरा है जिससे हमको सीखने की जरूरत है। इसलिए एक क्रियाशील विरोधी पक्ष होना अनिवार्य है। विरोधी जो पक्ष है वही स्वतंत्र राजनीतिक जीवन की चाबी है, इसके बिना किसी भी प्रजातंत्र का काम नहीं चल सकता। उन्होंने कहा साथियों कि ब्रिटेन और कनाडा इस मत को समझते हैं, इसलिए उन्होंने विरोधी का जो विरोधी पक्ष है उसका जो विपक्ष का नेता है उसका वेतन और सारी सुविधा सरकार देती है, सरकार अपने खजाने से देती है। सरकार विरोधी को एक आवश्यक धर्म मानती है। इन दोनों देशों के लोगों का मत है कि विरोधी जो पक्ष है उसको सरकार जैसा चेतन तथा सजीव होना चाहिए, क्योंकि सरकार अपने पक्षों को दबा सकती है, छुपा सकती है और एक पक्षीय कार्य भी कर सकती है। इसलिए जो विरोधी पक्ष है, विपक्ष है, उसकी जिम्मेदारी है कि सारी चीजों को जनता के सामने उजागर करें, और जो दबा रही है, छुपा रही है, उस पक्ष को भी जनता के सामने रखें। यही जो ताकत है, यही जो पद्धति है, यही पद्धति पार्लियामेंट्री प्रजातंत्रवाद शासन पद्धति की जान है। इस बात को हमको याद रखने की जरूरत है। अब दूसरा जो उन्होंने कहा था कि स्वतंत्र और ईमानदारी से निष्पक्ष तरीके से चुनाव होने चाहिए। चुनाव के संबंध में उन्होंने कुछ तथ्य बताए हैं। उन्होंने आगे कहा है कि ये पार्लियामेंट्री प्रजातंत्रवाद की शासन पद्धति निष्पक्ष चुनाव ईमानदारी से चुनाव हो इसी के ऊपर टिकी हुई है। यदि हमको एक राजनीतिक व्यवस्था बदलनी है, बिना खून खराबे की बदलनी है, तो उसके लिए जरूरी है कि ईमानदारी से और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न हो। उन्होंने राजाशाही के पक्ष को भी समझाया कि राजाशाही व्यवस्था में जब राजा मरता था उसके बाद से उस राजा के पद पर बैठने के लिए संग्राम चलते थे, हत्याएं होती थी। इस तरीके की व्यवस्था को खत्म करके ये नया व्यवस्था हम आया है, इसलिए इस नया व्यवस्था को सत्ता परिवर्तन, सत्ता बदलना है तो उसके लिए जरूरी है कि निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराए जाएं। उन्होंने कहा है कि स्वतंत्र और ईमानदाराना चुनाव की स्थिति क्या है, इस पर हमको आंखें नहीं मूंदनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा है कि जो देश के बड़े बड़े धनी हैं, पूंजीपति हैं, वो जो है देश का जो राजनीतिक जीवन है उसको अधिक से अधिक प्रभावित करना चाहते हैं। धनी लोगों द्वारा इतना ज्यादा धन कांग्रेस को दिया जा रहा है। उस समय कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी ताकत में थी और कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, तो उन्होंने कहा कि इतना बड़ा धन जो कांग्रेस को दिया जा रहा है, जो पूंजीपति धनी लोग दे रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक है। आगे उन्होंने कहा कि यदि पैसे वाले लोग किसी एक राजनीतिक पार्टी को ज्यादा धन दे करके, पैसा दे करके प्रभावित करते हैं और चुनावों को प्रभावित करते हैं तो इसका परिणाम क्या निकलेगा। आगे वो कहते हैं कि जिसको चंदा दिया है यदि वो पार्टी सत्तारूढ़ हो जाती है
तो निश्चित तौर से जिन लोगों ने उसको पैसा दिया है, उस पैसे के बदले में उससे सरकार से फायदा लेने का, हित लेने का, निजी हित करने का कोशिश करेंगे। और ये जो कोशिश करेंगे वो दो तरीके से करेंगे, एक तो जो वर्तमान जो कानून है उनको बदलवाएंगे वो अपने हिसाब से, ताकि उनका फायदा हो, उनके पक्ष के कानून हो, और दूसरा इनसे नए तरीके के कानून बनवाएंगे विधानसभा में, लोकसभा में, जो कानून इनके पक्ष के होंगे, किनके पक्ष के, जिन्होंने पैसा दिया है, यानी पूंजीपति वर्ग धनी लोगों के पक्ष के होंगे, उनके पक्ष के कानून वो ये सरकार से बनवाएंगे। ऐसी परिस्थिति में जो पार्लियामेंट्री शासन पद्धति है उससे देश का कल्याण नहीं होगा। इसमें उन्होंने महाभारत का एक दृष्टांत सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कौरव और पांडव लड़ रहे थे, पांडव जो थे वो न्याय से लड़ रहे थे और कौरव जो थे वो अन्याय से लड़ रहे थे। भीष्म पितामह से ये पूछा गया कि आप जो है जो कौरव अन्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अन्याय की लड़ाई के साथ आप क्यों हैं, न्याय की लड़ाई के साथ क्यों नहीं है? तो उन्होंने जवाब दिया था कि मैंने कौरव पक्ष का नमक खाया है, मैं उनका नमक खा रहा हूं, इसलिए ये लड़ाई न्याय की है या अन्याय की है, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि मैंने इनका नमक खाया है, इसलिए मेरे को इनके साथ खड़ा रहना है, इसलिए मैं इनके साथ खड़ा हूं। इसका मतलब यह साथियों कि जो ये पैसा जो लगा रहे हैं, जो पार्टी या कांग्रेस जो धनी पूंजीपतियों की लखपतियों से पैसा ले रही है, चंदा ले रही है, वो पैसा लेने के बाद उनका नमक खाया है, तो उनके लिए काम करेंगे, उनका नमक जो खाया है उनके नमक का कर्ज अदा करेंगे। इसका अर्थ यह है कि पूंजीपतियों के लिए काम करेंगे, इसलिए पूंजीपतियों का जो चंदा, एक तरफा जो चंदा जो कांग्रेस को दिया जा रहा है, ये देश के हित में नहीं है, वो पार्लियामेंट्री जो शासन पद्धति है उसके हित में नहीं है, इससे देश का कल्याण नहीं होगा, अराजकता पैदा होगी। और आगे उन्होंने कहा कि आज उस समय की परिस्थिति को बताया कि आज यही हो रहा है, कांग्रेस जिस तरीके से धनी लोगों का, जो मारवाड़ी लोग हैं उनका लोग, उन लोगों का, जो लखपतियां हैं उन लोगों का नमक खा रही है, इसलिए स्वाभाविक तौर से जिनका नमक खा रही है उनका नमक बजाएगी, उनके लिए काम करेगी, ये स्वाभाविक तौर से होगा, जो इस पार्लियामेंट्री शासन पद्धति के लिए ठीक नहीं है। आगे वो कहते हैं, हम ये देखते हैं कि जो सरकारी कर्मचारी है, सरकारी नौकर है, उसको भी कांग्रेस खाना खिलाती है। अब देखो खाना खिलाने पे इतना बात हो रहा, खाना खिलाती है इसलिए वो जो है चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे व्यक्तित्व ने अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनसंघ का जो अधिवेशन हुआ था उसमें खुले आरोप लगाए हैं कांग्रेस के ऊपर, चुनावों को न्यायपूर्ण और ईमानदाराना तरीके से नहीं रहने देते हैं। ऐसी स्थिति में पार्लियामेंट्री प्रजातांत्रिक शासन पद्धति है, उसकी सफलता की आशा कर सकते हैं? आगे वो कहते हैं, यदि ये सब हुआ जो अभी चल रहा है और ये इससे ज्यादा और खराब हुआ, तो इसका परिणाम ये निकलेगा कि जो ये पार्लियामेंट्री प्रजातंत्रवाद की जो शासन व्यवस्था है ये विफल हो जाएगी। जिन कारणों को मैंने उल्लेख किया है, यदि इन कारणों से प्रजातंत्रवाद की शासन पद्धति विफल होती है तो उसका जो परिणाम होगा उसमें पहला परिणाम यह होगा कि देश के अंदर अराजकता होगी, दूसरा विद्रोह होगा, और तीसरा है कि हमारी इस देश के अंदर कम्युनिज्म जो रूस की व्यवस्था है वो आ जाएगी। यदि ऐसा होता है तो इस देश का भविष्य अंधकारमय होगा, और वैसे हालात में हमारे देश के ऊपर रूस का स्वत्व कायम हो जाएगा। और आगे कहते हैं, ऐसे हालात में जो व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो जारी नहीं रहेगी, या क्या होगा? और भी कहा उन्होंने कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है उससे कुछ लोग खिन्न होंगे।
और खिन्न होकर के वो देश के अंदर विद्रोह करेंगे। विद्रोह करेंगे तो देश के अंदर अराजकता का माहौल होगा और इस अराजकता से देश का जो जो बुनियादी स्ट्रक्चर है, जो जो देश की दिशा है, देश गलत दिशा में चला जाएगा। और आखिरी में कहते हैं, मैं ये चाहता हूं, वो छात्रों को कह रहे हैं कि हम इन आखिरी जो संभावना है, ये हमने जो व्यवस्था बनाई है, संभावना पे हमको आंखें नहीं मूंदनी चाहिए, इसके लिए हमको लड़ना चाहिए, इसके लिए हमको बात करना चाहिए। और कांग्रेस जो ये गड़बड़ कर रही है, इसका हमको विरोध करना चाहिए। आगे वो कहते हैं, यदि आप ये चाहते हैं कि हमारी स्वाधीनता विनष्ट ना हो, तो आपको देश के युवा और विद्यार्थी होने की हैसियत से, देश के बुद्धिजीवी वर्ग की हैसियत से यह कोशिश करनी चाहिए कि अपनी देश में पार्लियामेंट्री शासन पद्धति अपने यथार्थ स्वरूप में सुरक्षित रहे, आपको इसके लिए कार्य करना चाहिए। और यही ये भाषण खत्म होता है। और इसके बाद वो कहते हैं कि आपने हमें बोलने का मौका दिया, इसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आपके हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। और ये लेक्चर खत्म हो जाता। साथियों, इस आजादी के जो जश्न हम मना रहे हैं, इस जश्न के अंदर जो 1951 में जब पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ये शुरू हुआ था, तब जिसने संविधान बनाया, जिसने इसकी पूरी ड्राफ्टिंग की, उस मनुष्य की, उस व्यक्ति की ये लंबी दूरी की समझ थी किस दिशा में ये जाए, वो ये चाहते थे। उन्होंने जितने भी सवाल उठाए हैं, जो उन्होंने कांग्रेस के ऊपर सवाल उठाए हैं, पूंजीपतियों के बारे में कहा है, निष्पक्ष चुनाव के बारे में कहा है, उस समय से लेकर के आगे चल के कांग्रेस की सरकारों ने सुधार नहीं किया, उल्टा उस पूरे सिस्टम को चुनाव पे कब्जा करना, चुनाव में शराब बांटना, जातिवाद, धर्म, दुनिया की चीजों को ऐड किया, दुनिया की चीजों को जोड़ करके जो असल सवाल है, निष्पक्ष चुनाव है, उनको हमेशा चुनाव लोभ लालच में हुए, देश की जनता को गुमराह किया गया, देश की जनता को घुमाया गया, बेवकूफ बनाया गया। तो इस तरह तरह के षड्यंत्र कांग्रेस ने किए। और अभी यदि हम कांग्रेस के शासन के बाद जो दूसरी बड़ी ताकत हमारे देश में पैदा हुई राजनीतिक रूप से, वो समय जनसंघ था, जिस जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपने अधिवेशन में कांग्रेस को कह रहे हैं, कांग्रेस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, उसी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS पहले था और भारतीय जनता पार्टी के पीछे RSS काम कर रहा है। इस RSS की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस लोकतांत्रिक जो पार्लियामेंट्री जो शासन पद्धति है, उसको जितना ज्यादा बर्बाद किया जा सकता है, जितना ज्यादा उसको बुरा से बुरा बनाया जा सकता है, उसको बनाने का काम किया है। आज की तारीख में पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, उसका बुनियादी स्ट्रक्चर नष्ट हो गया है। चुनाव की जो हालत है, चाहे चुनाव के मुद्दे हो, जिस तरीके से राम मंदिर का आंदोलन हुआ, जितने तरीके के जो जिस तरीके से हमारे देश के अंदर हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण किया गया, जिस तरीके से असल सवालों को हटाया गया, जिस तरीके से चुनाव के अंदर पैसे, आज की तारीख में जिस तरीके से पूंजीपति, जिस तरीके से अगर 2014 से हम बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से अंबानी अडानी पैसे दे रहे हैं, पैसे दे करके वो वोटर्स को प्रभावित करे, शराब बट रही है, मुर्गा कट रहा है, दारू बट रही है, गाड़ियां चल रही हैं, पैसे बट रहे हैं, ये सब जो है नंगा नाच भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों कर रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से चुने हुए लोगों को, विधायकों को खरीद करके सरकार गिराना, सरकार बनाना, सरकार गिराना, हर सरकार को पैसे की दम पे करना, इससे जो संवैधानिक संस्था है, CBI है और भी संस्था है, उनसे छापे पड़वाना, जो ये सब दुरुपयोग इस व्यवस्था का चल रहा है, जो नंगा नाच आज हो रहा है, ये पूरी तरीके से देश को एक बर्बादी की दिशा में ले जाने की भारी कोशिश है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने जो 1951 में कहा था, तो हमको आज आकलन करना है। आज देश के आजादी के इतने सालों बाद
ये हमारा पार्लियामेंट्री जो शासन पद्धति वो किस ओर चला गया, किस तरफ चला गया, पैसे वाले ताकतवर लोग किस तरीके से चुनाव जीत रहे, किस तरीके से पैसे कमा रहे, किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहे, किस तरीके से रातों रात खरबपति बन जा रहे। अभी भारतीय जनता पार्टी का हालत देखो, कितना पैसा है इनके पास, ये पैसा कहां से आ रहा है, कौन इनको पैसा दे रहा है, हजारों करोड़ों रुपए का ऑफिस बना दिल्ली में। अभी पता चल रहा है कि पूरे देश के अंदर 1200 ऑफिस बनाए हैं, करोड़ों करोड़ों के ऑफिस बनाए हैं, इतना पैसा कहां से आ रहा है, ये सारे सवाल आज हमारे सामने हैं। ये जो शराब बांटी जा रही है, मुर्गा खिलाए जा रहे हैं, पैसे बांटे जा रहे हैं, चुनाव में जो सांसद खरीदे जा रहे हैं, विधायक खरीदे जा रहे हैं, ये सारा पैसा कौन दे रहा है, कहां से आ रहा है, जो ये पैसा दे रहे। इसी समय में हमारे देश की सरकारें इन पूंजीपतियों को देश के सारे संसाधन बेच रहे, संपत्ति बेच रहे, संपदा बेच रहे, रेलवे बेच रहे, बीमा बेच रहे, बैंक बेच रहे, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां बेच रहे, स्पेस बेच रहे, सब कुछ बेच रहे। तो ये उसी का नतीजा है जो भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जिनका नमक खाएंगे उनके लिए काम करेंगे। तो आज ये जो भारतीय जनता पार्टी है या जो कांग्रेस थी अभी की, ये पूंजीपतियों का नमक खा रहे, वो पूंजीपतियों के लिए खुलेआम देश को लुटवा रहे, जनता को लुटवा रहे, ये परिस्थिति हमारे सामने बनी हुई, पूरा देश बिक रहा है अभी। तो ये नीतियां जो बनी है, ये नीतियां उसी आधार पर बनी है कि जो पैसा दे रहे हैं। और इसी समय में हमारे देश के जो अंबानी है उसकी रिपोर्ट आ चुकी है कि जो कोरोना चल रहा है इस समय में वो 7वें 8वें से 4थे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए, इनके धन बढ़ रहे, देश की अर्थव्यवस्था माइनस में जा रही है, पूंजीपतियों की संपत्ति अथाह बढ़ रही है। ये धन कहां से पैदा हो रहा, कहां से लूट रहे हैं देश को, तो देश की लूट मची हुई है। और इसी लूट के बीच में हमारे देश के अंदर हिंदू मुसलमान का विवाद, हिंदू मुसलमान की राजनीति, हिंदू मुसलमान में ध्रुवीकरण, दंगे, गुजरात के दंगे हुए, दिल्ली के दंगे हुए, मुसलमानों के साथ लिंचिंग हो रही है, दलितों के साथ लिंचिंग हो रही है, कानून नाम का चीज नहीं बचा है, सबको जेल में रखा है। आज की तारीख में न्यायालयों पर लोगों का विश्वास उठ रहा है, जो न्यायालय है वहां भ्रष्टाचारी चल रही, पैसा चल रहा, बेईमानी चल रही, जितने सरकारी विभाग हो, चाहे एसडीएम कार्यालय हो, चाहे कलेक्टर कार्यालय हो, सब जगह पैसा, भ्रष्टाचार, अंधापन मचा हुआ है। और साथ में साथ ये समझना है, उन्होंने कहा है कि यदि ये नंगा नाच होगा तो कम्युनिज्म आएगा देश के अंदर, कम्युनिस्टों का राज आएगा, कम्युनिज्म आएगा। तो हमको समझने की जरूरत है, जो आज कल ये गरीबों की विचारधारा है, जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं, जो समाजवादी विचारधारा चाहते हैं, उनको भी इस बात को समझना है कि आज के वक्त में एकजुटता बना करके जनता के सामने इस अराजकता का विकल्प प्रस्तुत करें। ये जो अराजकता मची हुई है, इस अराजकता का विकल्प प्रस्तुत करें, जनता को समझाएं, जनता के सामने विकल्प के रूप में आए, राजनीतिक विकल्प प्रस्तुत करें। तो ये आज इनका जिम्मेदारी है ताकि जनता उस विकल्प को स्वीकार करे, और स्वीकार करके हमारे देश के अंदर ये अराजकता का जो राज चल रहा है, इस राज को खत्म करके एक जनता का राज, समाजवादी व्यवस्था कायम की जा सके। तो ये एक ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया है जिसको हमको समझने की जरूरत है, जो हमको भीमराव अंबेडकर ने 1951 के एक इस लेक्चर में उन्होंने सब कुछ समझा दिया। तो साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज ऐतिहासिक दिन है, जिसपे मुझे लगा कि ये बात हमको देश को याद दिलाने की जरूरत है। यदि आप सच में राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, देश की माता को प्यार करते हैं, राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र को प्यार करते हैं, तो हमारे राष्ट्र को बचाने के लिए पार्लियामेंट्री लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक जो शासन व्यवस्था है उसको बचाने के लिए आज सामने आए। नरेंद्र मोदी जो हमारी दिल्ली की सरकार है, आरएसएस की जो सरकार है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को तार तार कर रहे हैं, हर स्तर पे उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, उसको बर्बाद कर रहे हैं, अविश्वास पैदा कर रहे हैं, देश के में घृणा पैदा कर रहे हैं, नफरत पैदा कर रहे हैं, हिंसा पैदा कर रहे हैं। तो सारी व्यवस्था के खिलाफ खड़े हों,
सच के लिए आवाज उठाएं। जो भीमराव अंबेडकर का सपना था, वो सपना खाली भीमराव अंबेडकर जी का नहीं था, जितने भी उस समय संविधान सभा में लोग थे, जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन अंग्रेजों का जो से लड़ाई का जो आंदोलन हुआ था, राष्ट्रीय आंदोलन में नेतृत्व कर रहे थे, शामिल थे, सबका यही मत था, सबका यही सोच था। जिस सोच को हमको आज लाने की जरूरत है, और जो हमारी ये व्यवस्था पूरी गड़बड़ हो गई है, इसको वापस सही तरीके से बनाने की जरूरत है। आज 15 अगस्त के दिन संकल्प लें कि हम इस व्यवस्था को वापस पटरी पे लाएंगे, और जो भीमराव अंबेडकर जी ने सपना देखा था इस पार्लियामेंट्री व्यवस्था का, उनके सपने के हिसाब से इस पार्लियामेंट्री व्यवस्था को दोबारा पटरी पे लाएंगे, ये संकल्प आज हम लें। तो साथी, ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सभी को धन्यवाद करता हूँ, और इसी आपसे निवेदन करता हूँ कि जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस बात को देश के हर नौजवान तक, देश के हर नागरिक तक सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाने का कष्ट करें। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का शेयर करें, हर व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में, सब जगह शेयर करें, ताकि देश का हर नागरिक इस बात को समझ सके, इस बात को समझ करके देश की बचाने की लड़ाई में शामिल हो सके साथियों। तो इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप इसमें सहयोग करेंगे, देश को बचाने के लिए खड़े होंगे, हमारी इस व्यवस्था को सही करने के लिए दिशा में काम करने के साथ खड़े होंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स।